सत्र से जुड़ी बड़ी खबर है। आज सुबह 11:30 बजे करीब ये कार्यवाही शुरू होगी। पेयजल योजना के अनुदान की मांग पर चर्चा होगी, विभागों के अनुदान मांगों पर बहस होगी। 6-7 मार्च को सदन में अवकाश रहेगा, तो इस लिहाज से आज की चर्चा अहम मानी जा रही है। पेयजल योजना की अनुदान मांग पर चर्चा की जाएगी। बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, विभागों की अनुदान मांगों पर बहस होगी। कल और परसों सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी, छुट्टी है दरअसल, तो इस वजह से आज की कार्यवाही अहम है। विधानसभा की आज 11 बजे सुबह कार्यवाही शुरू हो जाएगी और पेयजल योजना की अनुदान की मांग को लेकर चर्चा की जाएगी, जानकारी मिल रही है। विभागों की अनुदान मांगों पर बहस होगी, विभागों की अनुदान मांगों पर बहस की जाएगी। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी है। कल सदन की कार्यवाही में शाम 6 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया था। जवाब में क्या कहा ये भी जानिए। मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर कहा कि हमने कोरोना काल में शानदार बजट पेश किया है, हमने कोरोना काल में शानदार बजट पेश किया है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू की। आयुष्मान के पैरेलल एक बड़ी योजना का जिक्र किया गया। पेट्रोल डीजल पर हमने 2% वैट कम किया, इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री ने बजट पर जो जवाब दिया जा रहा था उस पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। कहा पर्यटन विभाग के लिए 500 करोड़ की राशि हमने दी है। अहम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से जो कल बजट पर चर्चा के दौरान कही गई, बजट पर जो जवाब दिया गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश रची, यहां बैठे हुए लोग अमित शाह के साथ शामिल थे। हॉर्स ट्रेडिंग पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम बनने के लिए वैल्यूएबल राजनीति करनी पड़ती है, यहां बैठे लोग अमित शाह के साथ साजिश में शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ही कोई सीएम नहीं बन जाता है। पोरबंदर जाने के लिए 2 विमान खड़े थे, इस बात का जिक्र भी सीएम ने किया है कि पूरी तैयारी कर ली गई थी। सदन में हिटलर का जिक्र किया मुख्यमंत्री ने, कहा हिटलर शाही कहां से आई, जयपुर से आई या दिल्ली से आई, ये पूछा है मुख्यमंत्री ने। दरअसल निशाना बीजेपी के आलाकमान पर भी था और प्रदेश संगठन पर भी था। कहा हिटलरवाद का देश में आज जो तांडव हो रहा है, हिटलर शाही कहां से आई, दिल्ली से या जयपुर से, ये सवाल पूछा। कहा रात को 12 बजे नोटबंदी हो गई, सरकार गिराने की साजिश का जिक्र किया मुख्यमंत्री ने, लोगों के धंधे बर्बाद हो गए। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर भी जमकर हमला बोला है, बजट की उपलब्धियां भी बताई, हिटलर शाही को लेकर भी सवाल पूछा है और तीखा हमला केंद्र सरकार पर बोला है मुख्यमंत्री ने। कहा जिस तरह से रात को जीएसटी लागू किया गया, रातों रात जीएसटी लागू की गई, व्यापारी इससे परेशान हुए, ठंड में किसान सड़कों पर बैठे रहे, आधी रात से नोटबंदी अचानक लागू कर दी गई, ये हिटलर शाही जिक्र किया है मुख्यमंत्री ने इसका। कहा आपको हम चिरंजीवी कहेंगे। वैरखोड़ी बड़ी में खुलेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सौगातों को लेकर जो जानकारी दी मुख्यमंत्री ने, कहा कई जगह उप स्वास्थ्य केंद्र भी क्रमोन्नत होंगे। नाथद्वारा में शहरी स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, इस बात का भी ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर के कुम्हेर में नर्सिंग कॉलेज खुलेगा, जिससे वहां के छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा। जोधपुर में न्यूरो सर्जरी वार्ड की स्थापना की जाएगी, मुख्यमंत्री ने यह भी एक बड़ा ऐलान जोधपुर के लिए किया। सौगातों से जुड़ा एक और ऐलान, स्कूलों के भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। कहा डीग कुम्हेर में खेल मैदान बनाया जाएगा। मंडावा और बायतू में एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे, इस बात का ऐलान भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। एकल कृषकों को जैविक खेती प्रमाणीकरण में 75% शुल्क की छूट दी जा रही है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति से वंचित स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। जयपुर दौसा के बीच नया रिको एरिया विकसित होगा।
नगरपालिका क्षेत्रों में भी ओपन जिम खोली जाएगी। सड़कों का डामरीकरण का काम किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। चिकित्सा बीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। जयपुर दौसा के बीच नया रिको एरिया विकसित किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्रों में ओपन जिम